बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास टॉनिक में खुश आमदीद। मैं लाई हूँ आपके लिए मज़े मज़े के खाने जो आप खुद भी आसानी से अपने किचन में बना सकते हैं। तो आइए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम लाए हैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी, पिज़्ज़ा मफिन या पिज़्ज़ा इन कप केक। कप जिसमें केक बनाते हैं, छोटे कप केक, उसमें हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आटा है जो हमने उस दिन उठाकर रख दिया था जब हमने ब्रेड बनाई थी, तो आधा आटा हमने मैदा रख दिया था राइज होने के बाद। और ये वेजिटेबल्स हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, टमाटर के बीज निकाल दिए, कैप्सिकम है, ये थोड़ी सी चिकन है, इसको हमने फ्राई कर लिया श्रेड करके, और ये चीज़ है। तो इसको आइए प्रोसेस को शुरू करते हैं। हमने रोटी बेल ली और फिर इसके बाद हमने गिलास रख के देखा, ये रख कर देखा, लेकिन ये छोटा था तो हमने ये प्याली लिए और इसके साइज़ के हम ये कट कर लेंगे इसमें से रोटियाँ। हमारे पास ये ट्रे है, इसको हम ऑयल कर लेंगे, अच्छी तरह से इसमें ऑयल लगा लेंगे। सब में लगा लेंगे ऑयल। हमने ट्रे में इस तरह से ये जो छोटी छोटी सी रोटियां कट की थी इनको हमने सेट कर लिया। अब इसमें हम ये चीज़ें शामिल करेंगे। पहले हम चिकन डालेंगे, अब वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे, प्याज, टमाटर के दो तीन पीस, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, और सबसे ऊपर हम इसमें डालेंगे श्रेडेड चीज़ डाल देंगे। आखिर में ऊपर थोड़ी थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। इससे इसकी लुक अच्छी आएगी। अब इसको हम प्री हीट ओवन में रख देंगे। हमारे पिज़्ज़ा मफिन 10 मिनट्स में रेडी हो गए और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जायके में भी यकीनन बहुत ही अच्छे हैं। तो ये देखिए, इनको हम निकालते हैं, सॉफ्ट हैं बहुत। हंड्रेड परसेंट आई एम श्योर दैट यू शुड लाइक दीज मफिन्स। तो आप इनको ज़रूर ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट किसी बेहतरीन व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।